नमस्कार, आपके अपने पसंदीदा चैनल फीलगुड विद वही संतोष में आपका बहुत बहुत स्वागत। एक और शानदार वीडियो के साथ हम मौजूद हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड अभिनेताओं की पत्नियां, वाइफ्स ऑफ बॉलीवुड एक्टर, अर्थात रियल लाइफ पार्टनर ऑफ बॉलीवुड एक्टर। आइए इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने 14 नवम्बर 2018 को बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से शादी की है। वरुण धवन ने 24 जनवरी 2021 को फैशन डिजाइनर नताशा दलाल से शादी की है। शाहिद कपूर ने 7 जुलाई 2015 को मीरा राजपूत से शादी की है। इनके दो बच्चे हैं, बेटे का नाम जैन तो बेटी का नाम मिशा है। जॉन अब्राहम ने 3 जनवरी 2014 को प्रिया रोचल से शादी की है। ऋतिक रोशन ने 20 जनवरी 2000 को सुजान खान से शादी की है। वर्ष 2017 में इन दोनों का तलाक हो चुका है। वहीं इनके दो बेटे हैं जिनका नाम रिहान और रिधान रोशन है। रणवीर कपूर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। टाइगर शराफ लंबे समय से बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी को डेट कर रहे हैं और हो सकता है जल्द दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें। रितेश देशमुख 3 जनवरी 2012 को रितेश देशमुख ने जेनेलिया डिसूजा से शादी की है। इनके दो बच्चे हैं, बच्चे का नाम रियान और रिहाल देशमुख है। अभिषेक बच्चन 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से शादी की है। इनकी एक बेटी है, बेटी का नाम आराध्या राय बच्चन है। आयुष्मान खुराना ने 11 नवंबर 2008 को ताहिरा कश्यप से शादी की है। इनके दो बच्चे हैं, बेटे का नाम विराजवीर और बेटी का नाम वरिष्का खुराना है। राजकुमार राव बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने वर्ष 2010 में पत्रलेखा से शादी की है। बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू ने 25 जनवरी 2015 को सोहा अली खान से शादी की है। वहीं पर इनकी एक बेटी है और बेटी का नाम इनाया नैमी खेमू है। सोनू सूद 25 दिसंबर 1996 को सोनू सूद ने सोनाली सूद से शादी की है और इनके दो बच्चे हैं, बच्चे का नाम ईशान सूद और अमान सूद है। विवेक ओबेराय 29 अक्टूबर 2010 को विवेक ओबेराय ने प्रियंका अलवा से शादी की है और इनके दो बच्चे हैं, बच्चे का नाम विवानवीर ओबेराय और अमिया निर्वाणा ओबेराय है। अर्जुन रामपाल 29 मार्च 1998 को अर्जुन रामपाल ने मेहर जेसिया से शादी की है और वर्ष 2019 में इनका तलाक हो चुका है। वहीं पर इनकी दो बेटियां हैं, बेटी का नाम मायरा और माहिका है। इमरान हाशमी 14 दिसंबर 2006 को इमरान हाशमी ने परवीन हाशमी से शादी की है और इनके एक बेटे हैं और बेटे का नाम अयान हाशमी है। बॉबी देवल ने 30 मई 1996 को तान्या देवल से शादी की है और इनके दो बच्चे हैं, बच्चे का नाम आर्यमान देवल और धर्म देवल है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वर्ष 2009 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अंजलि किशोर पांडे से शादी की है, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर आलिया सिद्दीकी रख लिया था। वहीं पर इनके दो बच्चे हैं, बच्चे का नाम सोरा सिद्दीकी और यानी सिद्दीकी है। वर्ष 2020 में इन दोनों का तलाक हो चुका है। अक्षय कुमार 17 जनवरी 2001 को अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी की है। वहीं पर इनके दो बच्चे हैं, बेटे का नाम अरव कुमार तो बेटी का नाम नितारा कुमार है। अजय देवगन ने 24 फरवरी 1999 को बॉलीवुड के जबरदस्त एक्टर काजोल के साथ शादी की है। इनके दो बच्चे हैं, बेटे का नाम युग देवगन तो बेटी का नाम न्यासा देवगन है। आमिर खान
आमिर खान ने 18 अप्रैल 1986 को रीना दत्ता से तो 28 दिसंबर 2005 को किरण राव से शादी की है। वहीं पर के दो बच्चे हैं, बेटे का नाम जुनैद खान तो बेटी का नाम इरा खान है। वहीं पर वर्ष 2002 में रीना दत्ता से तलाक लेने के बाद आमिर खान ने किरण राव से वर्ष 2005 में शादी की है, जिनसे एक बेटे हैं और बेटे का नाम आजाद है। शाहरुख खान 25 अक्टूबर 1991 को शाहरुख खान ने गौरी छिब्बर से शादी की थी, जिसके बाद वो गौरी खान के नाम से जानी गई। वहीं पर इनके तीन बच्चे हैं, बेटे का नाम आर्यन और अब्राहम खान है तो बेटी का नाम सुहाना खान है। सुनील सेट्टी ने 25 दिसंबर 1991 को माना सेट्टी से शादी की है। वहीं पर इनके दो बच्चे हैं, बेटी का नाम आथिया सेट्टी तो बेटे का नाम आहन सेट्टी। अब आप बॉलीवुड के इन लेजेंड एक्टरों के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि बॉलीवुड की कौन सी परफेक्ट जोड़ी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऐसा आप कर चुके हैं तो आप जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।